एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगी हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पहलू भावनात्मक रिश्तों के बारे में, और हमारी चर्चा का विषय होगा लव एंड सोलमेट्स। दोस्तों, जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू है प्यार। हमारे जीवन में अगर भरपूर प्यार भरा है तो हमारा व्यक्तित्व खिला खिला और संपूर्ण लगता है और पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। दोस्तों, प्यार हमारे जिंदगी में कभी भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स समय नहीं होता, पर किसी भी रिश्ते के जुड़ने के पीछे कुदरत का रचा कोई कार्मिक कनेक्शन जरूर होता है। आज मैं आपके साथ इसी प्यारे से विषय पर अपने विचार शेयर करूंगी। सबसे पहले सवाल आता है कि क्या मतलब है सोलमेट्स का, किन्हें कहते हैं हम सोलमेट्स। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन में यो तो बहुत से लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ के साथ हमारे दिल से जुड़े गहरे रिश्ते बन जाते हैं, वो सभी हमारे सोलमेट्स होते हैं। जी हाँ, जिनके भी साथ हमारे रिश्तों की नर्म डोर बंध गई वो हमारे सोलमेट्स हो गए। वो चाहे रिश्तेदारी के रूप में हो, दोस्तों के रूप में हो, आपके साथ काम करने वालों में भी कभी कोई आपको खास तौर से प्रिय हो जाता है, आपका हाउस हेल्प, यहाँ तक के आपके पेट्स, किसी भी रूप में आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या सोलमेट का मतलब जीवन भर का साथ है? ये भी कोई जरूरी नहीं है। हमारे जीवन के सभी रिश्ते कार्मिक तौर पर हमसे जुड़ते हैं, उनसे हमारे कुछ कार्मिक कनेक्शन होते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। एक उदाहरण देती हूँ मशहूर गायक किशोर कुमार जी का। उनके जीवन में एक नहीं कई रिश्ते जुड़े, वो भी टॉप मोस्ट हीरोइंस के साथ। पहली बीवी रूमा गोहा के अलावा मधुबाला, गीता बाली, योगिता बाली और लीना चंद्रवरकर के साथ भी उनकी शादी हुई। किशोर कुमार नर्म दिल के व्यक्ति थे, उनके किसी के भी साथ लड़ाई झगड़े के किस्से नहीं सुने गए, पर फिर भी उनका कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि किशोर कुमार को अपने जिंदगी में कार्मिक तौर पर कई सोलमेट्स मिलने थे। एक और प्यार भरी कहानी सुनाती हूँ फेमस हॉलीवुड एक्टर्स एंजेलिना बसेट और कॉर्टनी वैंस की। ये दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों का कनेक्शन भी टूट गया, दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। इस बीच दोनों के जीवन में प्यार तो आया पर वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। करीब 12-13 साल बाद अचानक इन दोनों की फिर से मुलाकात हुई। कुछ मुलाकातों के बाद उन्हें एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास होने लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। और फिर 39 साल की उम्र में एंजेलिना बसेट की शादी हुई। उनका ये प्यारा सा साथ अब भी बरकरार है। दोस्तों, शिरी फरहाद हो या लैला मजनू, शाहजहां मुमताज हो या सलीम अनारकली, इन सभी की मोहब्बत गवाह है कि कुछ रिश्तों को कुदरत ने बनाया है प्यार के अटूट मिसाल। तभी तो राधे कृष्ण ने भी रचा है अपने रिश्तों का खूबसूरत इतिहास। सोलमेट्स के अलावा एक और टर्म है ट्विन फ्लेम्स। अगर सीधे तौर पर कहे तो इसके सच्चे सरल मायने हैं दो जिस्म एक जान। हमारी ऐतिहासिक और धार्मिक प्यार भरी जोड़ियां ट्विन फ्लेम्स की ही मिसाल है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम प्यार की उस गहराई को दर्शाता है जहां दो प्यार करने वाले एक दूसरे का आईना बन जाते हैं। ऐसे में जब हम किसी और की कमियों को अपना बना लेते हैं तो फिर अपने प्यार से ना कोई शिकायत होती है ना शिकवा। उस प्यार के आगे हमारी सारी ईगो, हमारा एटीट्यूड, हमारी डिमांड, हमारी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाती है। जिस प्यार के आगे हम समर्पित हो जाते हैं उसे ही सोलमेट ट्विन फ्लेम कहा जाता है, और ये वो रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप।
Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें Astrovani चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।